हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। साइड क्वेस्ट का वीक टू आ चुका है एंड विंटर ऑफ वो पार्ट वन का वीडियो कल मिलने वाला है आप लोगों को। तो पहले साइड क्वेस्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पे वीक टू आ चुका है, जल्दी से एंटर करते हैं। थ्रेट लेवल 5 पे जाना है हमें एंड वीक टू में क्या क्या होने वाला है वो भी ओनर ऑफ ए लोनली आयरन हार्ट। ओके, जल्दी से थ्रेट लेवल 5 पे एंटर करते हैं। और हाँ, मेल में हमें यहाँ पे क्लेम योर हार्ट एक की मिली है, हमें क्लेम कर लेते हैं जल्दी से। नॉर्मल की है, इसमें कुछ भी गेट पास नहीं है हमारे पास। ये चलते हैं इधर पे एंड प्रीव्यू करते हैं, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे होने वाला क्या है। देखो, अब हमें यहाँ पे एक की मिली है, रिसोर्स नीडेड, ये वाला हमें मिला हुआ है। अब दिक्कत की बात ये है कि क्या ये थ्रेट लेवल 4 पे भी यूज होगा क्या? इसको बार बार यूज कर सकते हैं हर एक थ्रेट लेवल पे, मुझे नहीं पता। लेकिन हम थ्रेट लेवल 5 खेलने जा रहे हैं तो मैं यही पाथ चूज करने वाला हूँ। ए पाथ में क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। ए पाथ में हमें क्या करना है, इंटरसेप्ट करना है, तो हमें यहाँ पे इजी पाथ है, मैंने यहाँ पे ये वाला नहीं लेने वाला। बी पाथ पे क्या है? ओके, बी पाथ जो है वो यहाँ पे ये वाला है। यहाँ पे क्या करना है कि हमें हर 12 सेकंड में सामने वाला अनस्टॉपेबल बनेगा 4 सेकंड के लिए, लेकिन अगर दूर रहेंगे तो अनस्टॉपेबल हम बनेंगे। द ड्यूरेशन ऑफ द अटैकर अनस्टॉपेबल इफेक्ट, हमारा अनस्टॉपेबल 100% इंक्रीज है, लेकिन हमें अनस्टॉपेबल रहते रहते सामने वाले को डैमेज देना पड़ेगा। ओके, ये दिक्कत की बात है। मैं सोच रहा हूँ ये वाला पाथ ले लूँ, थोड़ा चैलेंजिंग पाथ है। एंड सी पाथ में क्या है कि ब्लैक विडो डेडली ओरिजिन है, लाइफ ट्रांसफर बहुत ज़्यादा ईजी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमें दो फाइट्स करनी है। यहाँ पे क्या है, डिफेंडर गेन है इनडेफिनेट एनर्जाइज फॉर 6 सेकंड, इंक्रीज द कॉम्बो। ओके, द टाइम ऑफ दिस इज रिफ्रेश एंड ऑल एनर्जीज आर पैसिव आर रिमूव्ड व्हेनेवर द अटैकर। ओके, हमें यहाँ पे रैलिक लाना पड़ेगा। व्हेन द डिफेंडर रीचेस 2 बार ऑफ पावर दे गेन इनडेफिनेट प्रोवेस। ओ अच्छा, जब हम 2 बार ऑफ पावर पे बनेंगे तो ये इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाएगा। ओके फाइन, ये वाला पता है हमें। यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्शन लगी है तो मतलब इसे नॉकडाउन करना पड़ेगा, मेल्टडाउन मतलब कि अपना वो छोड़ना पड़ेगा बार बार, और 30 सेकंड के लिए इसको होल्ड करना पड़ेगा। ओके, द अटैकर, अगर हमारी पावर 0 हुई व्हेन द मेल्टडाउन टाइम, ओके 0 पे रीच अगर हमारे पास रहा तो हमें 200% अटैक डैमेज रिफ्लेक्ट होगा। द अटैकर कैन नॉट गेन पावर ड्यूरिंग द फाइट थ्रू नॉर्मल व्हाइल द अटैकर इज चार्जिंग अ हैवी। ओ, हमें हैवी चार्ज करना है यार यहाँ पे। ओहो, ये थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे यार। ओके फाइन, कोई बात नहीं, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे हमको अनस्टॉपेबल वाले चैंपियंस लाने हैं पहले तो। ओके, ओह अच्छा, मेरे पास 2 गेट पास है, मुझे नहीं पता था यार। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमें मिल क्या सकता है भाई, इस वाले पास से क्या मिलेगा हमें। यहाँ पे एक रिसोर्स है इन, ओके अरे यार ये बहुत ही ज़्यादा बकवास है यार ये वाला, एंड आई थिंक ये भी बकवास। अरे यार ये तो बहुत ही बेकार है यार, रिवॉर्ड बेकार है यहाँ। ओके, चेस्ट लेवल 5 में कुछ मिल सकता है। यहाँ पे क्या है, ओह ये अच्छा है, तब भी टायर 1 सेलेस्टियल अलॉय मिल रहा है तो हम ये ले सकते हैं। सिग्नेचर स्टोन मिल रहे हैं 6 एंड 5000 शार्ड मिल रहे हैं 6 स्टार के। ओके आई थिंक मुझे अनहार्ट रिफ्ट पाथ ए। ओके, 200000 गोल्ड, दिस इज नाइस। ये वाला पाथ भी ईजी है, अच्छा है, हम ये वाले पाथ पे भी जा सकते हैं। और अगर ये वाला पाथ लिया जाए, देखो इनमें से सबसे बेस्ट पाथ जो लग रहा है मुझे वो ये वाला पाथ लग रहा है, पाथ ए, जिसमें हमें 200000 गोल्ड भी मिलेगा, हमें गोल्ड की ज़रूरत है एंड टायर 6 बेसिक टायर 3 अल्फा भी मिल रहा है यहाँ पे, हम यहाँ से गोल्ड ही लेंगे। तो ऐसा करते हैं, हमें इसके हिसाब से टीम लानी पड़ेगी। इंटरसेप्ट करना है हमें तो आई थिंक यहाँ पे, हाँ किल का है मेरे पास में, इंटरसेप्ट करेंगे तो अटैक बढ़ जाएगा। ठीक है, यही टीम से चलते हैं यार, ये टीम काफ़ी है मेरे ख्याल। चलो ओपन करते हैं गेट को एंड लेट्स सी, देखते हैं 200000 गोल्ड लेते हैं तो आजा सेबर टूथ वेरी बैड। ओके क्या है, स्ट्राइकर डील, ओके स्ट्राइकर डील एक्स्ट्रा डैमेज। ओके तो चलो फिर सेबर टूथ को मारते हैं 7 स्टार वाले को। नाइस, वही है प्लान, स्पेशल 2 पे जाएंगे। मिल गई हमको फ्यूरी, तेरी तो ऐसी की तैसी गेम, सारे शॉक कन्वर्ट करूंगा एंड तेरी बैंड बजाऊंगा। मेरे ख्याल से लगभग मर जाएगा, अरे पूरा ही मर जाएगा यार। चलो इसे निपटा दिया हमने, चलते हैं नेक्स्ट फाइट। ओके फाइन, इसके बाद में मैं सोच रहा हूँ एक और पाथ खेलेंगे,
एंड देखेंगे क्या कर सकते हैं, किस पाथ चांस करेंगे, इसके बाद रैंडम पाथ चूज करेंगे, देखेंगे हम किस पे जा सकते हैं। ओके मैं चाह रहा हूँ ये स्पेशल फोके अपना, लेकिन बंदा रेडी नहीं हो रहा। अब स्पेशल टू ही मारना सीधे। ओके मैं फ्यूरी लेके मारना चाहता हूँ उसे। मार भाई, बहुत बढ़िया, हट तेरी तो ऐसे की तैसे, ये ले तो शौक ले, ऐसे ही मरेगा तू। ओ मर जा, मर गया। नेक्स्ट फाइट पे चले। मैं हैवी चार्ज करने वाला हूँ अपने, 5 हैवी फेंकने पड़ेंगे पहले तो हमें, उसके बाद में ब्लीड डैमेज मिलना शुरू होगा। इंसर नेट इम्यून है ना एंटी विलम। हाँ एंड ओके, इसने मेरा फैंसी मोड ऑन कर दिया, कोई नहीं। ये किया हैवी लोड, स्पेशल टू पे चले। ये किया एक और हैवी लोड, ये किया एक और हैवी लोड, एंड बैंग ऑन करते हैं इसको। चलो मार स्पेशल, स्पेशल 3 नहीं मारना था भाई, अपना ही छोड़ते हैं, डैमेज जितना प्रोवाइड कर सकते हैं उतना करेंगे। ओके स्किप स्किप स्किप, बर्स्ट डैमेज दे रहे हैं। ओके नाइस, मैं वापस से पहुंच जाऊंगा यार विल पावर की मदद से। इंटरसेप्ट करते हैं, नहीं माना, ये दिया साथ में स्पेशल 2 एंड गेम ओवर। चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे, जो कि मेरे ख्याल से स्कारलेट रिच के साथ करते हैं। चलो ओनली फाइट, एंड यहाँ पे हमें हैवी लोड करना है ना बार बार। ठीक है ठीक है ठीक है, हैवी लोड करना है, इसका मतलब मैं अगर ये लेके जाऊँ एब्जॉर्बिंग मैन तो प्रोटेक्शन भी लगी है। अरे भाई ओके फाइन, निमरॉड लेके जाते हैं। बार बार हैवी लोड करना है तब जाके स्पेशल बनेगा हमारा। मेल्टडाउन के टाइमर से पहले हमें अपना स्पेशल छोड़ना है। ओके नाइस नाइस नाइस, स्पेशल 1 तो हम रेडी कर चुके हैं। ये दिया एक और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन हटाओ, ये हटाई प्रोटेक्शन। ये दिया स्पेशल एक और, चलो स्पेशल छोड़ दिया, मेल्टडाउन लगा दिया। अरे नहीं, मेरे को करंट पर छोड़ना चाहिए था। साला देखो इसने फिर से फेंक दिया। अरे यार हैवी लोड करना है, ये किया हैवी, ये किया हैवी, ये किया हैवी, नाइस, ये हैवी। अरे भाई मेल्टडाउन मिल गया मेरे को, देखो इसको हैवी फेंकते हैं, देन उसके बाद शॉक लगाएंगे। ठीक है ये दिया शॉक, आई थिंक मिल जाना चाहिए। अच्छे तो ऐसे की तैसी, प्रोटेक्शन लग गई, प्रोटेक्शन हटाते हैं भाई। हैवी लोड करो, स्पेशल 1 बनाओ एटलीस्ट। नहीं नहीं नहीं, चलो स्पेशल 1 तो हमने बनाया, ये मारा हमने यहाँ पे स्पेशल 1, मेल्ट डाउन डाल दिया उस पर, ये डाला यहाँ पे हैवी, ये प्रोटेक्शन हटाई, ये डाला हैवी। अभी इसको, चल भाई बर्स्ट डैमेज दिया इसको मेल्ट डाउन का, एंड गेम ओवर। ओके आई थिंक ये लास्ट फाइट थी, और इसी के साथ हमने ये पाथ कर दिया। एक बार पाथ करते हैं, रैंडम पाथ करते हैं लेकिन इस बार। ओके हमें जो मिला है गोल्ड मिल, वही तो डिजर्व। ओके हम गोल्ड ही तो चाहते थे, ठीक है गोल्ड लेते, 4,00,000 गोल्ड मिल जाएगा, चलो बढ़िया। यार उस वाले रेट से क्या मिला, 5-star वाले, ये इसकी प्रोफाइल पिक मिली। ओके जल्दी से चलते हैं, एंटर करते हैं, एंड इस बार हम रैंडम पाथ चूज करेंगे, लेकिन इस बार हम टीम थोड़ी चेंज करेंगे।
बोलमैन की जगह हरकुलिस ले जाते हैं, एंड थोड़ा सिल्क का भी अगर काम रहा तो हम सिल्क भी लेके जाते हैं मैग्नेट एब्जॉर्बिंग मैन की जगह पे। चलो बाकी टीम वही रखेंगे हम, जगरनॉट का काम आ सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी, देखते हैं दूसरा पाथ पे हम रैंडम जाएंगे, देखते हैं कौन से पाथ पे लेके जाता है और क्या रिवॉर्ड मिलेंगे हमें। लेट्स सी, चांस करते हैं यहाँ पे चांस इट एंड वी आर गोइंग टू ब्लैक विडो डेडली ओरिजिन, जहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है। हमें सेलेस्टियल अलॉय मिलेंगे, 5000 शार्ड मिलेंगे, सिग्नेचर स्टोन मुझे नहीं चाहिए, 5 स्टार के रेलिक मिलेंगे मुझे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट 5000 शार्ड भी नहीं चाहिए मुझे यार, आई थिंक मुझे सिग्नेचर स्टोन ही ले लेना चाहिए। ओके, लोकल नोड देख लेते हैं यहाँ पे क्या होने वाले हैं एंड उसी हिसाब से हम खेलेंगे फिर, ठीक है। अरे यार लाइफ ट्रांसफर है, व्हेन द अटैकर रीजनरेट हेल्थ द डिफेंडर इज डील्ड डायरेक्ट डैमेज इक्वल टू 400% ऑफ द हेल्थ गेन्ड बट द डिफेंडर टेक्स 75%। ओके चलो फिर मारते हैं ऐसे, और क्या करेंगे, लाइफ ट्रांसफर है मतलब हमें डी जनरेशन मिलता ही रहेगा, लेकिन हमें मारते जाना है ऐसे, मेरी तो ऐसी की तैसी, तेरी तो ऐसी की तैसी ये ले। जब भी हम रीजनरेट करेंगे तब ही इसको एक्स्ट्रा डैमेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वरना नहीं हो पाएगा भाई। हम रीजन कर रहे हैं इसका मतलब उसे डैमेज प्रोवाइड हो रहा है, वरना तो मुश्किल है भाई। ओके इसका ये चल रहा है, ये दिया डैमेज हमने प्रोवाइड किया एंड अब स्पेशल वन जाएगा इसे, नाइस डैमेज, नाइस एंड एक बार पैरी एंड गेम ओवर। चलो नेक्स्ट फाइट पे चले, लेट्स ट्राई विद जगरनॉट, हम इंटरसेप्ट खेल पाएंगे इसमें अच्छा खासा। ओके तेरी तो ऐसी की तैसी। मुझे थोड़ा सा ना अपना डीजनरेशन लेना पड़ेगा भाई, थोड़ा नहीं ज्यादा दे गई मेरी तो। ये दिया एंड गेम ओवर। चलो चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे। ओके चलते हैं स्पेशल थ्री पे, नाइस, बट मुझे थोड़ा सा ना अपना डैमेज लेना पड़ेगा ताकि जो डैमेज है ना वो प्रोवाइड हो। ओके नाइस, ओके नाइस, ओके 26 हमारे पास हैं, नाइस 35 तेरी तो यार भाई, एसी की तेजी ये दिए हैवी, ये दिए एक और हैवी, कितनी है प्रॉब्लम होगी 10। ओ डैक्स कर गया भाई, ये दिए हैवी एक और हैवी, एक स्पेशल थ्री एंड गेम ओवर। मैं चाहता हूँ ये स्पेशल फैके अपना, नाइस, आजा जल्दी आजा, अभी लोड करके। चलो आई थिंक मैंने प्रोवस मेरे चले गए यार सारे के सारे, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ मुझे वही तो बोल रहा प्रोवस चले गए थे। चलो एनीवे बर्स्ट डैमेज तो मिला इसे, इस बार हम विजन से फाइट करते हैं, इसे एनर्जाइज मिलेगा ना, तो इस बार हम ये मेटल है, लेकिन अच्छी बात है हम यहाँ पे ये लेके आए थे, इंडिस्ट्रक्टेबल रहेगा ये, और इसे क्या मिलेगा, इंडेफिनाइट प्रोवस मिलेगा ना इसे, तो मेरे ख्याल से हमें, हाँ ठीक है ये यूज़ करते हैं मैग्नेटो। ओके इसे सिंथेसिस भी होगा ना यार, हट तेरी तो ऐसे भी पैसे। ओके एक प्रोवस मिल गया, फील ब्लॉकर डाल दिया, नाइस, स्पेशल थ्री पे जाना है सीधे। ओ एनर्जाइज मिल गया, इसके हमें एक रैलिक छोड़ना पड़ेगा अपना, ये भी तो ऐसे की तैसी। ओके मुझे अपना रैलिक छोड़ना पड़ेगा भाई, एनर्जाइज हो रहा है, ओके
ठीक है ठीक है, स्पेशल पैक पैक दिया। 38 पावर्स है, नाइस। ओके एक और स्पेशल। अरे यार अभी सिंथेसिस होना था क्या? 41 हैवी लोड एंड 85% से देखते कहाँ पहुंचेगा ये बंदा। नाइस 49, आई थिंक मर गया भाई। R2 वाला है ये हमारा मैग्नेटो एंड 4,96,000 का डैमेज मिला है इसे। तो इसी के साथ में हमने दूसरा पाथ भी जो हमें मिला वो हमने कंप्लीट किया। यहाँ से हम रिवॉर्ड क्लेम करते हैं जो कि मुझे लगता है मैं 6-star के शार्ड शायद से लूँगा। सेलेस्टियल अलॉय लेके फ़ायदा नहीं है यार कुछ। रेलिक शार्ड ले लेते हैं 1000, ये 2000 मिलेंगे हम ये, ठीक है। चलो ये हो गया यहाँ पे। एंड साइड क्वेस्ट वीक 2 बहुत ज़्यादा ईजी था, वीक 1 भी बहुत ज़्यादा ईजी था। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। हम और मैं कल लेके आ रहा हूँ मतलब वो का पार्ट 1 का वीडियो। तो मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय। और हाँ गाइज, आपने अगर कैलेंडर देखा हो तो यहाँ पे 14 डे का कैलेंडर मिला हुआ है। एक बार चेक करा देता हूँ, ये अगर देखो यहाँ पे ये कहाँ पहुँच गया मैं, यहाँ पे कैलेंडर पे चलते हैं। वैलेंटाइन स्टॉक पाइल आया हुआ है जो कि काफ़ी कूल लग रहा है। ये इन्होंने काफ़ी कूल एनिमेशन रखा है यहाँ पे डे 14 तक जाने का। एंड हाँ यहाँ पे डे 6 में अच्छा मिल रहा है, टायर 4 का ये मिल रहा है कैटलिस्ट फ्रेगमेंट्स। ठीक है गाइज, मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।